देश के अलग अलग कोने से साइबर क्राइम की घटना लगातार सामने आ रही है। इससे देश में साइबर क्राइम के ग्राफ में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं इंदौर पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी एक्टिविटी में सावधानी बरतने की बात कही है। साथ ही साइबर आरोपियों की काली करतूत से पर्दा हटाते हुए सोशल मीडिया यूजर्स को सचेत भी किया है। इंदौर साइबर सेल एक्सपर्ट ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी आईडी बनाकर कुछ साइबर अपराधी बड़े उद्योगपतियों सहित अन्य बड़े घरों के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंचाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखने में आ रहा है कि एक नए तरह का साइबर क्राइम घटित हो रहा है फेसबुक के थ्रू, जिसमें कि विभिन्न प्रोफाइल बनाकर युवतियों द्वारा अधेड़ उम्र या एजेड लोगों को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और कुछ समय बाद उनसे अंतरंग बातचीत करके उनका विश्वास जीत कर उनको कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अपने खुद के नग्न या अर्धनग्न तस्वीरें या वीडियो दिखाकर उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि बाथरूम में जाकर या कहीं ऐसे प्लेस में जाकर वो भी यही तरह का कृत्य करें। और एक बार जब व्यक्ति इस तरह की चीज़ों में लिप्त होकर अपना वीडियो उनसे शेयर कर रहा है, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके 15,000, 25,000, 50,000 जिस तरह का वो व्यवसायी है, जिस तरह की उसकी सोशल रेपुटेशन है, उसको ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है, जिसमें कि उसको ये धमकी दी जा रही है कि आपका ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और इस वीडियो के एवज में, जिसको वायरल ना होने के लिए, हमारे पास आपकी ये फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग है जो आपने जिस तरह का ये कृत्य किया है। और इस तरह की प्रोफाइल में काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, अच्छे बड़े बड़ी कंपनियों में जो MD हैं या फिर प्रेसिडेंट्स हैं और सभ्रान परिवार के ही वयोवृद्ध लोगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आपसे इस तरह के किसी भी प्रलोभन में या झांसे में किसी तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आपको आती है, अननोन सोर्स से आती है, किसी महिला के द्वारा या किसी युवती के द्वारा आपको अप्रोच की जाती है, तो इस तरह की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। अगर कर भी ली जाती है तो उनसे किसी भी तरह का, वो पहला ये रिक्वेस्ट की जाती है फ्रेंड फेसबुक रिक्वेस्ट बनने के बाद कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए और व्हाट्सअप पे आइए, और फिर उसके बाद ये व्हाट्सअप कॉलिंग और इस तरह से ये आगे इनका शुरू होता है। तो आप कभी भी, अभी तक क्या कि थानों में इस तरह के एपिसोड, अभी साइबर सेल ने इस तरह की गत महीनों में कम से कम 5 से 6 कंप्लेन ऐसी आ चुकी हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी मुझसे करीब 5 से 6 लोगों ने इस तरह की घटना होने का जिक्र किया है, जिसमें कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब इसमें किस तरह से जांच पड़ताल की जाती है? जांच पड़ताल इसमें इस तरह से की जाती है कि पहले तो हम जिस प्रोफाइल से ये ब्लैकमेलिंग आ रहा है उस प्रोफाइल का हमारे पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए और उसकी URL के बेस पर फिर वो देखा जाता है कि वो ID कहाँ से बनी, किस IP एड्रेस के थ्रू बनी, जो सर्विस प्रोवाइडर है उस IP एड्रेस का, उससे उसका स्थान पता करके और उसको ब्लॉक करने की कार्रवाई पहले होती है और उसके बाद दूसरा उसका वेरिफिकेशन करके, उसके फिजिकल लोकेशन ट्रेस करके उन पर कार्रवाई की जाती है। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे IT एक्ट की धारा 66E में इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला या पुरुष के नग्न या अर्धनग्न तस्वीर या वीडियो को रिकॉर्ड करता या कराता है उसकी मर्जी के बगैर, और अगर इस तरह की आपत्ति ली जाती है तो ये उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो इसमें कंप्लेन करे और इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है और फाइन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।